तो वीबीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग का दूसरा चैप्टर वो है आपका इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग। इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम एक पर्टिकुलर एक्शन पर अपना कोड रन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब भी मैं टू पे जाऊँ मुझे एक अलर्ट दे, एक पॉपअप दे या एक तरह की पासवर्ड पूछे, कुछ ऐसे इवेंट हम चाहते हैं। तो हम सीट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, व्यू यहाँ पे व्यू कोड पे जाते हैं। देखिए अभी तक जो हमने प्रोग्रामिंग की थी वो मॉड्यूल्स में की थी, बट अब जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर करेंगे। क्यों? क्योंकि इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है जिसपे इवेंट होने वाला होता है। तो सीट टू के ऊपर आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ आप वर्कशीट मतलब कि लोकेशन सिलेक्ट कीजिए, किस हो सकता है कि वर्कशीट में हो सकता है कि कोई बटन हो या कोई ऑब्जेक्ट हो उस पर करना हो, बट मैं वर्कशीट के ऊपर करना चाहता हूँ। और यहाँ आता है आपका, ये हो गया लोकेशन ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा आता है एक्शन कि आखिर क्या इवेंट होगा। तो हमने सिलेक्ट कर लिया एक्टिवेट। तो अब जो हम कोड लिखने वाले हैं यहाँ जो इसके अंदर कोड लिखेंगे वो कोड कब परफॉर्म करेगा, जब परफॉर्म करेगा जब हमारा वर्कशीट एक्टिवेट होगा। तो यहां पे हम कंडीशन देते हैं कि इफ इनपुट बॉक्स, यहां पे दिया हमने एंटर पासवर्ड इक्वल टू, यहां पे हम इक्वल टू 12 करते हैं, देन हमने यहां पे C2.activate कर दिया, एल्स में हम देते हैं मैसेज MSG box box और यहां पे देते हैं पासवर्ड incorrect, सॉरी बाइकेट नहीं होगा, हाँ यहाँ पे फिर sheet 1.select एक्टिवेट कर देता हूँ और यहाँ पे एंड। अब एक कोड कब रन होगा, जब हमारा sheet 2 एक्टिवेट होगा, मतलब कि जब हम sheet 2 के ऊपर जैसे जाएंगे मुझसे पॉपअप पूछेगा मैंने पासवर्ड सही डाला तो इस पे काम करने देगा, अगर हमने पासवर्ड गलत बोला तो क्या होगा कि मैसेज देगा और फिर वापस हमको सीट वन पे ट्रांसफर कर देगा। तो एक कोड तो आपको जाना पहचाना है क्योंकि आपने इफ कंडीशंस और सेलेक्ट कराना इनपुट बॉक्स मैसेज बॉक्स पे सीखा था, बट इसको हमने ट्रिगर कब किया, ट्रिगर किया हमने जब हमने इसको एक्टिवेट हुआ। तो ये इवेंट माइक्रो क्या करेगा, वो आपकी जो माइक्रोज है चाहे आप कोड लिख लें या किसी माइक्रो को सिलेक्ट कर लें तभी आपको परफॉर्म करेगा जब वो एक पर्टिकुलर इवेंट जो है वो इवेंट हेल्ड होगा, मतलब कि इवेंट ट्रिगर होगा। अब फिर इसमें एक और चेंज करते हैं कि इसमें क्या हुआ कि सीट वन पे जाना पड़ रहा है, मुझे सीट थ्री पे इसी तरह का कोड करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोड मैं चाहता हूं कि अगर सीट थ्री पे कोई आ गया उसको पासवर्ड डालना ही है, जब तक वो पासवर्ड नहीं डालेगा तब तक इनपुट बॉक्स हटेगा ही नहीं, उसी को रिपेयर करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमने डू इवेंट डू व्हाइल इवेंट सिखा था, डू अनटिल सिखा था, उसका यूज करेंगे आप। यहाँ पे एक्टिवेट और यहाँ पे हम देते हैं डिम एफ एन एज ए वेरिएंट टू अंटिल एफ एन इक्वल टू 12 और फिर यहां पे हमने कर दिया एफ एन इक्वल टू इनपुट बॉक्स और एंटर पासवर्ड। और फिर यहां पे लूप। अब क्या होगा, अब मैं सीट थ्री के ऊपर जाऊंगा, उसे पासवर्ड पूछेगा, मैं अपना पासवर्ड डाला,
पासवर्ड गलत हुआ तो फिर वापस अपीयर हो जाएगा। तो पासवर्ड सही जब तक ना डालूंगा तब तक मेरा मैक्रो लूप से बाहर ही नहीं निकले, ठीक है। अब मैं यहां पे एक काम करता हूं, मैं यहां पे डू वाइल कर देता हूं, डू वाइल 12। अब यहां नहीं हुआ ना सर, क्योंकि डू वाइल का कंडीशन उल्टा होता है। यहां पे मुझे लिखना होगा नॉट इक्वल टू fn 12। अब देखिए आ गया सर। अब मैं पासवर्ड डालूंगा तो वर्क करने देगा। तो यहां पे आप डू वाइल का एवी देख लीजिए कि डू वाइल का कंडीशन उल्टा होता है। तो अगर डू वाइल एंड डू अनटिल का कंडीशन उल्टा होता है, इससे पहले हमने अगर वाइल लगाया, वाइल लगाया तो हुआ fn नॉट इक्वल टू 12, मतलब कि fn के ऊपर जब तक 12 नहीं होता है, 12 नहीं है तब तक इसको रन करता जाए। लेकिन जब मैंने इसको अनटिल किया तो उस केस में मुझे यहां पे fn इक्वल टू 12 करना पड़ा। तो दोनों का करने का सेम है, काम सेम होगा, ये तब तक इसको रन करेगा जब तक कि fn को 12 नहीं मिल जाता। बट यहां पे क्या है कि इसको हमें उल्टा कंडीशन देना होता है, डिवाइड वाइल्ड में नॉट इक्वल टू 12 होगा तो क्या होगा, जब तक उसको 12 नहीं मिलता तब तक इसको रिपीट करता रहेगा। एफ एन भी डू अनटिल भी सेम काम कर रहा है, इक्वल टू 12, अगर जब तक एफ एन पे 12 स्टोर नहीं होता है तब तक ये वर्क करता है। तो एक ट्रू पे काम करता है, दूसरा फॉल्स पे काम करता है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया सर? हाँ जी सर। चलिए अब इसी तरह से और भी है, जैसे कि मान लीजिए सीट वन है, तो सीट वन पे सिलेक्शन का भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखा होगा कि सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे हम, कि वर्कशीट और यहाँ पे सिलेक्शन चेंज था। तो यहाँ जहां भी हम मान लीजिए क्लिक करें, वो सेल हमारा ए हो जाए, एक्टिव सेल डॉट कलर हो जाए, तो इंटीरियर कलर करने का होता है डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। अब मैं जहां जहां क्लिक करूंगा वहां वहां कलर हो जाएगा। देखिए इसका कोई ऑफिशियल यूज तो नहीं है ना। अब चलिए एक ऑफिशियल यूज हम आपको समझाते हैं, एक एग्जांपल बनाते हैं। तो नेम और यहाँ पे मैंने जैन फैब का एक छोटा सा डेटा बनाता हूँ, चार्ट्स के डेटा, जो डायनेमिक चार्ट में हमने सीखा था वही चीज मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। याद है सर डायनेमिक चार्ट? तो यहां पे हमने कॉपी किया और इसके ऊपर वैल्यू पेस्ट कर दिया। और इसे ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं इसके, लेकिन फिलहाल हम उन तरीके का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं यहां पे नॉर्मल डायनेमिक चार्ट वाला तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं। ऑफसेट मैं इसको सेलेक्ट किया, हमने 1 को सेलेक्ट किया, कॉलम में 0 कर दिया सर। और आगे ड्रैग करने के लिए मुझे F16 को फ्रीज करना पड़ेगा और इसको आगे ड्रैग कर दिया। अब क्या होगा कि मैं यहां पे नंबर 2 डालूंगा तो नीरज, 3 डालूंगा तो कविता, इस तरह से डेटा आएगा। और इस डेटा पे हम चार्ट यहां बना देते हैं। चार्ट बना देते हैं और चार्ट की मैं यहां से एक अच्छा सा फॉर्मेट भी चूज कर लेता हूं। ये बेटर है। अब इसमें हमें क्या करना है कि अभी क्या है कि मान लीजिए मुझे देखना है, तो हम यहां पे 1 सेलेक्ट करेंगे तो आएगा, 2 सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा आएगा। या फिर याद होगा डायनेमिक चार्ट में हमने बटन्स में इसका कॉम्बो वर्क्स का इस्तेमाल किया था और कॉम्बो वर्क्स से भी इसको हमने ट्राई किया था करने का। कॉम्बो वर्क्स लिया और इस पे हमने प्रोग्रामिंग ना करके इसके कंट्रोल में फॉर्मेट कंट्रोल में गया था और यहाँ इनपुट रेंज को सिलेक्ट किया। ये चीज हम बता चुके हैं आपको, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ।
और सेल नेम हमने यहाँ ले लिया। तो इससे क्या हुआ कि अभी यहाँ पे मैं जो भी सिलेक्ट करूंगा, जो भी नेम सेलेक्ट करूंगा उसका डेटा हमें आ जाएगा। लेकिन मैं उल्टा करना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अगर यहाँ रवि पे क्लिक किया तो यहाँ मुझे रवि का चार्ट देखना चाहिए। जैसे जैसे हम जहां क्लिक करेंगे मुझे उसका चार्ट देखना है। तो क्लिक करना इट मीन सिलेक्शन चेंज करना। तो हम इसे राइट क्लिक करते हैं और जाते हैं व्यू कोड में और यहाँ वर्कशीट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ सिलेक्शन चेंज ऑटोमेटिक आ गया, नहीं तो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। अब मुझे सिलेक्ट यहाँ पे मैंने कर दिया कि डिम आर कॉमा सी एज ए लॉन्ग और हमने बोला कि आर इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट रो एंड सी डॉट से सी इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट कॉलम, राइट सर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे 2 से लेके 13 तक क्लिक करेंगे तभी हमें हमारा इवेंट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। ऐसा तो कहीं भी क्लिक करोगे तो आपका चार्ट गड़बड़ दे देगा ना, इसलिए। तो यहां पे कंडीशन होगा कि इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड आर इज लेस देन इक्वल टू कौन सा है नंबर 13 एंड सी इज इक्वल टू 1 then range A16 dot value is equal to R minus 1। क्यों? क्योंकि offset एक कम लेता है ना इसलिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि minus 1 नहीं करेंगे तो मान लीजिए 6 है 5 है तो यहाँ 5 दे देगा, तो 5 में तो 6 का दिखाएगा ना, यहाँ पे 4 चाहिए उसको। ऐसा हमने कर दिया एंड इसको क्लोज कर दिया। अब जैसे ही मैंने मान लीजिए देव पे क्लिक किया तो देव का जो रो नंबर है उसमें से एक कम यहाँ डाल दिया और जैसे यहाँ पे रो डाला यहाँ पे उसका आपका डेटा चेंज हो गया और डेटा चेंज हुआ तो आपका चार्ट भी चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन मैं कहीं और क्लिक करूं तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने कंडीशन दिया है कि जहां मैं क्लिक करता हूं उसका जो रो नंबर वो 2 और 13 के बीच में और कॉलम नंबर 1 होना चाहिए। राजीव रोशन जी, संदीप जी, संतोष जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। हाँ, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है सर, और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो मैं आपको तो मतलब दो ही एग्जांपल दिया, अब बाकी को आपको देखिए और इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल बनाइए। तो ये सिचुएशन होता है, कोड तो अपने हिसाब से लिखना है बट ये सिचुएशन होता है। बिफोर डिलीट सी डिलीट करने से पहले कुछ अगर मैसेज देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं उनको, राइट क्लिक, डबल क्लिक, कैलकुलेट, चेंज, बहुत सारी चीज इसमें, ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिए, फिर हम कल की क्लास में आपके साथ वर्कबुक इवेंट के बारे में बात करेंगे। तो कोडिंग वही जो आपको सीखा है वही अप्लाई करना है, बस अपने हिसाब से एग्जांपल बनाइए उसका यूज कीजिए। क्लियर सर? जी सर। ठीक है, तो हम कल बात करेंगे वर्कबुक इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में। ओके सर। ओके।